फिट रहना कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हम फिट रहें, हम पतले रहें, हम स्मार्ट लगें। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई भी डाइट प्लान लेने की जरूरत नहीं होती है, और मैं भी आपको कोई डाइट प्लान नहीं दे रही हूँ। मैं आपसे वो सब बातें करने जा रही हूँ जो एक बहुत ही आम है। तो आर यू रेडी? तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमें कर सकती है फिट। हम सबसे पहले अपने आप को ये वादा करें कि हम जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। कहते हैं कि 8 घंटे की जो नींद होती है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। कभी कभी चीटिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे तो आप हेल्दी एंड वेल्दी रहेंगे। जैसे ही हम उठते हैं तो हमें कम से कम 1 ग्लास पानी पीना चाहिए। पानी अगर गुनगुना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो पानी होता है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और आप जल्दी उठ ही गए हैं तो क्यों ना एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज में हम योगा भी कर सकते हैं, भाग सकते हैं, या फिर हम वॉक कर सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमारे फैट को ख़त्म कर सके। कहते हैं एक्सरसाइज करने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा रहता है और हम फिट रहते हैं, हमारी मसल्स टाइट होती है। ब्रेकफास्ट कहते हैं कि हमें किंग की तरह करना चाहिए, यानी कि राजा की तरह। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लें, अपने ब्रेकफास्ट में अनाज लें और अच्छे से जमकर खाएं। कहते हैं अगर ब्रेकफास्ट अगर आप जमकर खाते हैं तो आप पूरे दिन में कैलोरीज उतनी नहीं लेते हैं, क्योंकि आपका पेट भरा रहता है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। इससे आप फिट रहते हैं, आप मोटे नहीं होते हैं। कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जैसे मुझे बहुत पसंद है कि मैं सुबह सुबह एक एप्पल लूँ। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसलिए वो आपको डाइजेशन में ईजी रहता है और आपको स्ट्रॉन्ग रहता है। चीनी यानी शुगर अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा इसे कम कर दीजिए, क्योंकि इसमें फैटकोस होता है, इसलिए ये हमें मोटा करता है। आप कोशिश कीजिए जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ पे आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का ना, लिफ्ट से ना आना जाना करके। अगर आपके हाथ पेन है, आपके घुटनों में दर्द है तो आप ज़रूर लिफ्ट का यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकें। जब भी आप खाना खाएं तो चबा चबा कर खाएं, चबा चबा कर, यानी कि 30 सेकेंड तक कोशिश कीजिए कि आप एक कौर जो है वो चबाते रहें। इससे डाइजेशन अच्छा रहता है और आप फिट रहते हैं। हम भी फिट रहना चाहते हैं, हम भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो बस अपनी ज़िंदगी में कुछ आदतें, कुछ हैबिट्स को बदलना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।